मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व था। मेरी बेटी का नाम माला था। मेरी बेटी मेरे घर की खुशी थी, लक्ष्मी थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। जब उसने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है तो मैंने उसे नहीं रोका। मैं उसे क्यों रोकती? मैं चाहती थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन हम लोग गरीब थे, फिर भी बड़ी मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाया था। अभी उसके हाउस जॉब के दिन थे, यानी कि इसके बाद वह एक पूरी तरह डॉक्टर बन चुकी थी और अपना अलग से क्लिनिक भी बना सकती थी। लेकिन अभी वह नए डॉक्टरों की सूची में थी, इसलिए नए डॉक्टरों को ज्यादा मेहनत का काम दिया जाता है, जैसे कि नाइट ड्यूटी वगैरह। सब जानते हैं कि रात को जागना बड़ा मुश्किल काम है। जब उसने मुझे बताया कि उसकी नाइट ड्यूटी रहेगी तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा कि जब तक तू घर नहीं आएगी बेटी, मैं परेशान रहूंगी। वह मेरी इकलौती बेटी थी, मेरे दो बेटे भी थे, लेकिन जो प्यार मुझे बेटी से था वह बेटों से नहीं था। उसके पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। घर में उसकी एक बुआ भी रहती थी, वह भी उसे बहुत चाहती थी। उसने कहा कि मैं ड्यूटी बदलवा नहीं सकती, ऊपर से ऑनऑर्डर आया है। आप परेशान मत होना, अस्पताल में मैं अकेली थोड़ी होती हूँ, और भी लोग होते हैं। उसने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से मुझे समझाया मैंने क्या मसला है। लेकिन वह बड़ी जिम्मेदार थी। डॉक्टर के पास कहाँ वक्त होता है कि वह एक गिलास पानी भी पी ले, और नाइट ड्यूटी का डॉक्टर वैसे ही बड़ा बिजी रहता है। लेकिन फिर भी वह रोजेस मुझे फोन करती थी, पर आज उसका फोन नहीं आया तो मैं बड़ी परेशान हो गई। जब मैंने फोन किया तो बेल तो जा रही थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। मैं परेशान हो गई, मेरा दिल कांपने लगा कि न जाने क्या हो गया है। और फिर जिस हालत में मेरी बेटी को घर लाया गया वह मैं ही जानती हूँ। लेकिन उसके बाद उसका फोन भी दमे नहीं दिया गया। पर उसकी एक दोस्त थी जिसने हमें बताया कि माला की तरफ से मुझे एक वीडियो मिली है। वह जब हमारे घर आई तो उसके फोन में एक वीडियो थी जो हमें मिल गई। जब उस वीडियो को चलाया तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, और फिर पूरा देश मेरी बेटी के साथ खड़ा था। उस वीडियो के अंदर एक दिन मेरी बेटी अस्पताल से वापस आई तो कहने लगी, माँ भगत मुझे एक सवाल का जवाब तो दे कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो क्या उसे रोकना चाहिए? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल रोकना चाहिए, क्यों नहीं रोकना चाहिए? ये तो भगवान भी कहता है कि सिर्फ सच्चाई और हक का साथ देना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर वह कहीं खो गई। मैंने कहा, माला खाना खा ले, कहाँ खो गई है? देख आज तेरी पसंद का दाल भात बनाया है। उसको यह खाना बहुत पसंद था और वह देखते ही खुश हो जाती थी, लेकिन आज कहीं खोई हुई थी। जब मैंने बार बार पूछा तो कहने लगी, माँ अगर कुछ ऐसा बुरा हो रहा हो जिसको रोकने की आपके अंदर ताकत भी ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा, तो फिर भी लड़ना चाहिए बेटा, कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान कोशिश करता है तो भगवान उसका साथ देता है। पर तू किस बारे में पूछ रही है और इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? कहने लगी, कोई बात है, बस एक टेस्ट है, उसमें नंबर लगवाने की कोई बात चल रही थी तो उसके बारे में कह रही थी। मुझे उसकी इस तरह की बातें समझ नहीं आती थी क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और फिर वह तो डॉक्टर बन रही थी, बस मैं चुप करके सुन लेती थी। लेकिन जब भी मुझसे कोई बात पूछती थी तो मैं उसका जवाब अपनी तरफ से अच्छे तरीके से ही देने की कोशिश करती थी। मुझे मेरी बेटी से बड़ा प्रेम था। हम लोग बड़े गरीब थे, उसके लिए मैंने अपना जेवर बेचा था और बड़ी मुश्किल से उसकी फीस भरी थी। मुझे उससे बहुत प्यार था, वह एक अच्छी बेटी और अच्छी इंसान थी। एक दिन वह बालकनी में खड़ी थी जब अचानक से डर गई और भागती हुई नीचे आ रही थी कि मुझसे टकरा गई। मैंने कहा, क्या हो गया बेटा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है, सब अच्छा तो है ना? उसने कहा, एक लड़का खड़ा है। मैंने कहा, कहाँ खड़ा है? कहने लगी, हमारे घर के नीचे। मैंने कहा, तो क्या हो गया? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कुछ खड़े होते हैं, कोई फोन पे बात करता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? उसने कहा, आप मेरी बात समझ ही नहीं, वह ना रोज यहाँ पर आता है और हमारे घर की तरफ देखता है। जैसे ही मुझे देखता है दूर दूर से मुस्कुराता है, पता नहीं क्या सोचता है। मैंने कहा, जब तक वह दूर खड़ा है वह कुछ भी कर सकता है, मुझसे रोक भी नहीं सकते,
अगर वह तुझे कोई बात कहे तो तू उसका मुंह तोड़ देना। मैंने कहा ठीक है, और मैं बालकनी में खड़ी थी जब वह घर से निकली, क्योंकि आजकल उसकी नाइट ड्यूटी होती थी इसलिए वह शाम को ही जाया करती थी। जब वह बाहर निकली तो आज उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं दूर से यह सब कुछ देख रही थी। पहले वह लड़का कुछ बोला, फिर माला ने कुछ कहा, और फिर उसने उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह फिर हाथ रखकर एक तरफ को चला गया और माला अस्पताल के लिए रवाना हो गई। मैं पूरा दिन सोचती रही ये लड़का कौन था, मेरी बेटी को उसने क्या कहा। आज उसने मुझे फोन भी नहीं किया, वह रोज मुझे फोन करती थी। जब शाम को वापस आई तो मैंने उससे पूछा वह लड़का क्या कह रहा था। कहने लगी तो भी बुरा लड़का नहीं है। मैंने कहा बुरा लड़का नहीं है तो फिर तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा। तो माला ने कहा जब मैंने उसे थप्पड़ मार दिया मुझे बाद में पता चला कि वह बुरा नहीं है। वह अस्पताल में किसी औरत के साथ आया था, तब से उसने मुझे देखा था, कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसने यह बात बड़ी इज्जत से की थी, वरना किसी और तरह से भी कह सकता था, लेकिन उसने तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब मैं जा रही थी तो उसने पीछे से ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा क्या बात की, तो कहने लगी माँ उसने कहा था कि चाहे तुम मुझे रोज एक थप्पड़ मारो मैं फिर भी रोज तुम्हें देखने के लिए यहाँ आऊंगा, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें देखूं नहीं मेरा दिल नहीं गुजरता। ऐसी बात तो कोई वही कर सकता है ना जो आपको सच्चा प्रेम करता हो। मैंने कहा तू भी कितनी मासूम है, तूने एक पल में यह अंदाजा कैसे लगा लिया कि वह सच्चा प्रेम करता है। जो मर्द होते हैं ना इनको पता होता है कि औरतें बातों से खुश होती हैं, इनको बड़े बड़े बातें करने आते हैं, अगर इतना ही दम है उसमें तो उसको कह दे कि मेरा घर रिश्ता भेज दे। मैंने कहा कि यह बात बिल्कुल ठीक रहेगी, पर माला कहने लगी कि ऐसे कैसे वह रिश्ता भेज दे, और अगर उसने रिश्ता भेज दिया तो क्या आप मान जाओगी। मैंने उसे समझाया कि हाँ मैं मानूंगी, लेकिन अगर वो इस काबिल हुआ, हम तुझे डॉक्टर बना रहे हैं, तेरी शादी किसी आम आदमी से थोड़ी करेंगे। अब माला रोज वहां से गुजरती थी और वह पहले से ही खड़ा होता था, उसे कुछ कहता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखते थे। माला के अंदर मुझे कुछ तब्दीली नजर आने लगी थी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह भी उस लड़के को पसंद करने लगी है, क्योंकि जब वह वहां से गुजरती तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी और आजकल वह काफी तैयार होकर जाती थी। वह जिस अस्पताल में काम करती थी पहले वहां पर पढ़ाई करती थी इसलिए कभी तैयार होकर नहीं गई। कहती थी कि स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट्स को मेकअप करने की इजाजत नहीं है, और उसके बाद उसकी आदत बन गई क्योंकि वहां पर ऐसा कोई था नहीं जो उसको जानता नहीं था, तो वह उसके सामने अच्छी दिखना चाहती थी, लेकिन जिसके सामने अच्छी लगना चाहती थी वह घर के सामने ही खड़ा होता था, इसलिए घर से तैयार होकर जाती थी। उस लड़के के बारे में मैंने थोड़ा सा पता करवाया था क्योंकि वह हमारे घर के सामने खड़ा होता था, तो इतना तो पता होना चाहिए। मैंने अपने छोटे बेटे से पता करवाया था, उसने कहा था कि इसका नाम राम है और ये सामने वाले घर में रहता है। सामने वाले लोग तो बहुत अच्छे थे, पूरे मोहल्ले वाले उनको जानते थे और कहते थे कि अच्छे लोग हैं, और मैंने कहीं यह भी सुना था कि उनका एक ही बेटा है और उसकी माँ को अपने बेटे पर बड़ा गर्व है। लेकिन यह बेटा यहाँ क्या करता रहता था, मेरे छोटे बेटे ने शायद गलती की हो, किसी और के बारे में पता करके आ गया हो। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, माला अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी और सामने ही वह लड़का खड़ा था और बारिश में भी गीला हो रहा था। मैं उसके लिए चाय लेकर आई तो मैंने भी यह सब देख लिया। मुझे कहने लगी कि देखो ना, सर्दियों की पहली बारिश है और यह कैसी हरकतें कर रहा है। मैं भी हैरान हुई, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कहा कि तू क्यों इतना सोच रही हो, यह तो उसकी अपनी मर्जी है, तुम अपने कमरे में आकर बैठ जा, बाहर मत खड़ी हो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मेरे सामने तो बड़े कमरे में आ गई, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद महसूस हो गया कि वह फिर से जाकर बालकनी में खड़ी हो गई थी। उसी से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आप सही फैसला नहीं कर पाते और आपके जीवन में गलत आदमी आ जाता है और फिर आपकी सारी जिंदगी खराब हो सकती है, इसलिए सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। हमारे परिवार और जानने वाले मेरे ऐसे लोग थे जो माला से शादी करना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पहले हमारे घर आना भी पसंद नहीं करते थे,
लेकिन अब जब से उनको पता चला था कि माला डॉक्टर बन गई है तो वे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। हमारे छोटे से शहर से डॉक्टर बनना आसान बात नहीं थी। हमारे पास तो वैसे भी इतने पैसे नहीं थे, इसलिए थोड़ा फायदा भी हुआ था क्योंकि माला को स्कॉलरशिप मिली थी, वरना सारी फीस अपने पास से देना हमारे बस की बात नहीं थी। फिर अभी भी हमारे ऊपर बहुत कर्ज था क्योंकि फीस तो हम दे देते थे लेकिन फिर घर को चलाना मुश्किल हो जाता था और उसके लिए कर्ज लेने पड़ते थे। ऐसे में माला हम सबके लिए हमारा भविष्य थी क्योंकि वह डॉक्टर बनकर हम सबकी किस्मत बदलने वाली थी। उसके भाई छोटे थे, बड़े नहीं थे, उसमें ही अपने भाइयों के लिए कुछ करना था, भाई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैं अपनी बेटी को बहुत संभाल कर रखना चाहती थी और यह भी चाहती थी कि उसका जीवन साथी अच्छा इंसान बने जो उसको हमसे दूर नहीं बल्कि माला से बहुत ज्यादा प्रेम करे। माला बहुत अच्छी इंसान थी, वह किसी का भी दिल जीत सकती थी, लेकिन सामने वाला भी तो इस काबिल होना चाहिए। एक दिन वह मुझे कहने लगी कि माँ, मुझे आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है जो मेरे बारे में है, मेरे भविष्य के बारे में है, मेरे जीवन साथी के बारे में है। मैंने कहा कि हाँ बोल, तुझे क्या बात करनी है। और मुझे समझ आ रहा था कि क्या कहने वाली थी। लगता है राम ने उसके दिल में जगह बना ली थी और मुझे ये कहने वाली थी कि राम के घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे तो आप बात कर लेना। लेकिन बताने से पहले उसने मुझे कहा कि माँ, मेरे दिल में हमेशा जो जगह आपकी और पापा की और मेरे भाइयों की है वह किसी की भी नहीं है, और मैंने जो बात करनी है वह यह है। वह बोलने लगी कि उसको अस्पताल से कॉल आ गई। जैसे ही उसको अस्पताल से कॉल आती थी वह सब कुछ छोड़कर पहले कॉल सुनती थी। कहती थी कि हो सकता है कोई इंसान तकलीफ में हो इसलिए मुझे बुला रहे हो, मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। वही बात ठीक है, अस्पताल से कॉल थी। वैसे तो उसकी नाइट ड्यूटी थी लेकिन वह डे ड्यूटी के लिए भी बुला रहे थे, शायद कोई डॉक्टर छुट्टी पर चली गई थी। मैंने कहा कि तू डे ड्यूटी भी करेगी और नाइट ड्यूटी भी करेगी, थक नहीं जाएगी? तो कहने लगी कि एक ही दिन की तो बात है, नहीं थकूंगी, वापस आकर सो जाऊंगी, आप मेरी पसंद का खाना बनाकर रखना, मैं कल सुबह पहले टाइम वापस आ जाऊंगी। मैंने उसे कहा कि ठीक है, अपना मोबाइल वगैरह साथ ले ले और फोन को चार्ज कर लेना और अच्छे से खाना भी खा लेना, तेरे अस्पताल में खाना तो मिलता ही है ना? तो कहने लगी कि हाँ मिलता है। और घर से जा रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने उसे पुकारना चाहा लेकिन नहीं पुकारा, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई जहां हो तो उसके पीछे से नहीं बुलाते हैं। उसने कहा था कि जो जरूरी बात मुझे करनी है वह मैं आपके साथ ही करूंगी क्योंकि आराम से चलने वाली बात है। अपने काम पर चली गई और मैं अपने कामों पर लग गई। उसने मुझे दोपहर में एक दफा फोन भी किया और बताया कि सब कुछ ठीक है। फिर उसने मुझे शाम को भी फोन किया और कहा कि बस आज थोड़ा काम ज्यादा है लेकिन मैंने खाना खा लिया था। आपने खाना खाया तो है ना? मैंने उसको बताया कि हाँ खाना खा लिया है, बस सोने लगी हूँ। मैं जल्दी सो जाती थी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता था। उसने कहा कि आप सुकून से सो जाओ, वहां सुबह मिलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है और मैं सो गई। और मुझे क्या पता था कि इस रात के बाद मुझे कभी सुकून की नींद नहीं आएगी। माला सुबह 9 बजे तक वापस आ जाती थी क्योंकि उसकी शिफ्ट 8 बजे खत्म होती थी और अस्पताल से यहाँ आते हुए उसे 1 घंटा लग जाता था। जब मैं उठी तो सुबह के 9:30 हो रहे थे। मुझे लगा कि वह अपने कमरे में आकर सो गई होगी, लेकिन उसे बिना कुछ खिलाए मैं सोने नहीं देती थी क्योंकि फिर वह शाम तक सोती थी। मैंने उसे कहा था कि आप ही मुझे जगा दें, मैं खाना निकाल कर दे दूंगी। लगता है वह बहुत थकी हुई थी। मैंने प्लेट में खाना निकाला, उसको गर्म किया और अपनी बेटी माला के कमरे की तरफ चल पड़ी। लेकिन जब अंदर गई और लाइट ऑन की तो हैरान रह गई, वह तो यहाँ पर थी नहीं और कमरा तो बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा था। मैं समझ गई कि लगता है उसे आने में देरी हो गई। मैं बाहर गई तो आज वह लड़का भी नहीं खड़ा था। मैं हैरान हुई, क्या आज वह पीछे क्यों नहीं है? इस समय खड़ा होता है क्योंकि उसको भी पता होता है कि माला वापस आती होगी, आज क्यों नहीं खड़ा? कहीं बीमार तो नहीं होगा? मैं तो माँ हूं ना, माँ के दिमाग में तो ऐसी ही बातें आती हैं कि माला मर तो नहीं गई, कुछ और तो नहीं गया है। मुझे पूरा यकीन था कि माला उसी के बारे में बात करने वाली थी और मैं अभी से ही सोच रही थी कि वह लोग रिश्ता लेकर आ गए तो क्या मुझे रिश्ता कर देना चाहिए या नहीं।
दो घंटे गुजर गए, माला नहीं आई तो मैंने उसका नंबर मिलाया। घंटी जाने लगी और मैं इंतजार करने लगी कि कब फोन कनेक्ट हो और मैं उससे बात करूं, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा शायद वह व्यस्त होगी और मैं यह भी सोच रही थी कि अस्पताल में कितने बुरे हालात होंगे, डबल शिफ्ट करवाते हैं और जब शिफ्ट का समय खत्म हो जाता है तब भी उसे वापस नहीं आने देते। कम से कम अब तो उसे वापस भेज देना चाहिए। वह मुझे इस अस्पताल के बारे में बताती रहती थी। वह कहती थी कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, हर कोई अपना काम बेईमानी से करता है, कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं करता, चाहे वह सफाई वाला हो या कोई डॉक्टर। सबको पैसों की पड़ी है और कोई ना कोई अपने काम में ढील कर ही देता है। मैं उसे कहती थी कि तुम अपना काम अच्छे से किया करो, बाकी सबको भगवान को अपना मुंह दिखाना है और तुम्हें अपना। पर वह कहती थी हाँ, लेकिन उनकी वजह से मेरे काम पर ही असर पड़ता है। मैंने फिर से फोन किया, घंटी जा रही थी लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी और आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब मैंने उसकी दोस्त का नंबर मिलाया, वह भी फोन नहीं उठा रही थी। मैं हैरान थी, अब इसके अलावा दो मेरे पास और कोई नंबर नहीं था, मैं किसको फोन करती। फिर उसकी दोस्त ने फोन उठा लिया। मैंने कहा बेटा माला कहाँ है, वह फोन नहीं उठा रही है। तो उसने कहा कि हम भी उसे ही तलाश कर रहे हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब तलाश कर रहे हो, क्यों, क्या वह कहीं गायब हो गई है? मुझे लगा कि यह लड़की मजाक कर रही है, लेकिन उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। उसने कहा मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, असल में माला कहीं मिल नहीं रही है। मुझे लगा कि अस्पताल बहुत बड़ा है, शायद वह कहीं व्यस्त होगी, मिल जाएगी, आप परेशान नहीं हो। मैंने कहा अच्छा, अस्पताल तो बहुत बड़ा था, एक दिन में आप पूरा अस्पताल देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि साथ ही कॉलेज भी था। मैंने उसे कहा मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। वह बोली ठीक है आंटी। मुझे उसकी आवाज में परेशानी महसूस हुई, पता नहीं बात क्या थी। मैंने थोड़ी देर के बाद फिर फोन किया और कहा माला से बात करवा दो। तो उसने कहा आंटी बात ऐसी है कि वह मुझे अभी तक मिली नहीं है। और अभी वह यह बात कह ही रही थी कि अचानक से उसके मुंह से चीख निकल गई, हाय क्या हो गया? उसने मुझे कहा आप जल्दी यहां आ जाइए। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा पर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही, सब ठीक तो है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उसने कहा माला मिल गई है। मैंने कहा अच्छा मिल गई है, कैसी है वह, जरा मेरी बात करवा दो। तो कहने लगी बात नहीं करवा सकती, बस आप अस्पताल पहुंचिए। जब मैंने पूछा, क्योंकि मुझे ठीक से समझ नहीं आया था, तो वह रोते हुए कहने लगी अब बस आप आ जाइए आंटी। मैं अभी सोच रही थी कि अगर यह लड़की मजाक कर रही है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे, मैं घर से निकली, सामने राम भी नहीं खड़ा था। मैं तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी, रास्ते में भी अपनी बेटी को फोन कर रही थी। अगर वह मिल गई थी तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, क्योंकि बेल तो जा रही थी, ऐसा तो नहीं था कि उसका फोन बंद हो गया था, फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी। मैं अस्पताल पहुंची तो वहां पर अजीब सा माहौल लग रहा था, अस्पताल में भीड़ तो होती ही है, बाहर कोई एम्बुलेंस खड़ी होगी, कोई रो रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा, ये सब कुछ तो सामान्य था, लेकिन मुझे देखकर लोग अजीब नजरों से देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, जैसे मेरे से कोई बात छुपाई जा रही है, जैसे कोई ऐसी बात है जो इन्हें सबको पता है लेकिन मुझे नहीं पता है। मैं परेशान तो थी, पर मैं कभी कभी यहां आती थी। उसने मुझे तकरीबन अपनी सारी दोस्तों से और टीचर से और सीनियर डॉक्टर से भी मिलवाया था। मैं रिसेप्शन पर गई और मैंने कहा तुम्हारे इस टाइम कहाँ होगी डॉक्टर माला? तो उसने कहा आप दूसरी मंजिल पर चली जाएं, आपको पता चल जाएगा। ये बात भी अजीब सी थी। दूसरी मंजिल पर चली गई तो सामने ही उसकी दोस्त खड़ी थी और बहुत सारे लोग खड़े थे, अजीब सा शो डाला हुआ था, पांव रखने की जगह नहीं थी, ऐसे लग रहा था कि मुफ्त में अपनी चीज बांट रही है या फिर कोई बहुत बड़ी बात हुई है जो ये सब लोग यहाँ पर जमा हुए थे। मुझे माला की दोस्त ने देखा तो रोती हुई मेरे पास आई और कहा ये क्या हो गया, मुझे नहीं पता आंटी, मैं वहां पर नहीं थी, अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करती। मैंने कहा क्या कह रही हो तुम, हुआ क्या है,
माला कहाँ है? तो उसने मुझे एक ही लाइन में बताया, माला अब इस दुनिया में नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने यह बात नहीं सुनी, लेकिन असल में मैंने सुन ली थी और मेरे दिल तक यह बात चली गई थी। मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। तभी वहां पर एक आदमी आया, उसने कहा, आप हैं डॉक्टर माला जी की मम्मी? उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वह मुझे बताने लगा कि हुआ क्या था। वह मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहा था जो आप अपनी बेटी के बारे में कभी नहीं सुनना चाहती थी। दुनिया की कोई भी माँ ऐसी डिटेल नहीं जानना चाहती होगी जैसी वह मुझे बता रहा था। जब उसने कहा कि 20 लोग थे, तो मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, क्या कह रहे हैं आप, 20 लोग थे? मेरी बेटी 20 लोग? वह लोग 20 थे। मेरी बेटी के साथ क्या किया उन्होंने, वह मुझे पहले ही बता चुका था। लेकिन अब मुझे समझ आई थी कि कितना बड़ा अनर्थ हो गया था। मेरी हालत बुरी हो गई। मुझे बस दूर से माला की एक झलक दिखाई गई और उसके बाद मुझे पीछे कर लिया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझे उसकी दोस्त ने संभाला। मेरे चिल्लाने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंजने लगी थी। सबको पता चल गया था कि क्या लग रहा है, माला की माँ आ गई है। उन लोगों का कहना था कि नाइट ड्यूटी पर थी और उसके बाद अचानक से कहीं गायब हो गई। उसको कोई मरीज बुलाने के लिए आया था अलीगू। फिर हम लोग उसे सुबह ढूंढते रहे, ललाश करते हुए, हमें नहीं मिली। और फिर एक अंधेरे कमरे में वह हमें ऐसी हालत में मिली। हमें लगता है कि उसके साथ यह सब कुछ करने वाले 20 लोग थे, लेकिन वह कौन थे, कहां से आए थे, ये किसी को नहीं पता। और वह अब इस दुनिया में नहीं है। लगता है उसने खुदकुशी कर ली है। अस्पताल वालों ने हमें बहुत तंग किया, बहुत जलील किया। हमें बॉडी नहीं दे रहे थे। कभी कह रहे थे आपकी बेटी ने लगता है अपने किसी दोस्त को बुलाया था और मामला खराब हो गया। कभी कह रहे थे कि एक दोस्त नहीं था, 4-5 लोग थे, यानी कि बॉयफ्रेंड थे। कभी कोई बात करते और जो बॉडी की हालत थी वह हम ही जानते थे। किसी तरह से आखिरी रीति रिवाज किए गए, लेकिन अब हमारे पास कोई सबूत नहीं था। सारा देश हमारे बेटी के लिए खड़ा था। सब उसकी तरफ से इंसाफ सांग रहे थे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे हमें यह पता चले कि हुआ क्या था। अस्पताल वालों ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें लिखा था कि डॉक्टर माला ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती थी? वह तो मुझे कुछ बताना चाहती थी। घर से हंसती हुई निकली थी। इसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। तो फिर एक ऐसा इंसान कैसे आत्महत्या कर सकता है? वह डिप्रेशन में नहीं थी, वह बिल्कुल ठीक थी। उसके साथ कुछ मसला नहीं था। हमने कहा कि उसका फोन कहाँ है, वह हमें दे दें, उसका बैग वगैरह दे दें। उन्होंने हमें सारी चीजें वापस कर दी। उसकी चीजें ऐसी थीं जो टूट चुकी थीं, लेकिन उन्होंने हमें माला का फोन नहीं दिया। हम हैरान हुए कि फोन क्यों नहीं दिया, तो कहने लगे, ये सबूत के तौर पर हमारे पास रहेगा। लेकिन उन्होंने राहुल का क्या करना था, जब खुद कह रहे थे कि आत्महत्या ही है? तो फिर सबूत किसको दिखाना था? बहुत कोशिश की थी, किसी तरह उसका फोन मिल जाता, क्योंकि फोन से ही पता चल सकता था कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था। लेकिन उन्होंने उसका फोन हमें नहीं दिया। इस बात को 3 दिन गुजर गए थे और 3 दिन से मैंने राम को भी नहीं देखा था। क्या उसको पता नहीं था कि माला के साथ क्या हुआ था? वह तो इस दुनिया से भी चली गई थी। ये बात तो सारे देश में फैल चुकी थी, तो फिर उसको क्यों नहीं पता था? लगता है वह डर गया था और अपने कमरे में बैठा था। बाहर नहीं निकलना चाहता था कि उसे भी पूछताछ ना हो जाए, क्योंकि पता नहीं कितनी दफा यहाँ पुलिस आई थी। मेरी जो हालत थी मैं नहीं जानती हूँ। एक तो मेरी जवान बेटी, जिसको मैंने मुश्किल से डॉक्टर बनाया, इस दुनिया से चली गई है। और यह जानती हूँ कि वह कैसे गई। मुझे रातों को नींद ही नहीं आती थी। मैं पूरी पूरी रात रोती रहती थी। सब लोग इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था वह कभी ठीक नहीं हो सकता। मेरी बेटी तो कभी वापस नहीं आ सकती। हमारे घर की लक्ष्मी, मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई। अब उसे कभी वापस नहीं आना था। इंसाफ मिलता तो किसको मिलता? एक माँ के लिए हिसाब क्या हो सकता है? क्या मुझे मेरी बेटी को ही वापस लाकर दे सकता था? एक हफ्ता गुजर गया तो माला की दोस्त अचानक हमारे घर आई और उसने कहा कि मुझे माला की तरफ से एक वीडियो मिली है। उसने कहा कि शायद माला ने उसी वक्त यह वीडियो भेजी थी, लेकिन मैंने भी नहीं देखी थी। मैं बहुत व्यस्त हो गई थी,
और डर भी गई थी, क्योंकि मुझे धमकाया गया था और कहा गया था कि अगर कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने बताया, मेरे पास माला की आखिरी वीडियो है, इसके अलावा हमारे पास उसकी कोई याद नहीं है। वीडियो 45 मिनट लंबी है, मैंने अब तक देखी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताना जरूरी है। हमने तुरंत वीडियो को टीवी के साथ कनेक्ट किया ताकि सभी लोग देख सकें। सभी माला को देखना चाहते थे, लेकिन जब वीडियो देखी तो हम हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे यह वीडियो उस पल की है जब वह सब लोग वहां से चले गए थे। माला की कसम खाकर कह रही थी कि वह जिंदा थी और उसने यह वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेज दी थी। शायद उसने इसे अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया था, इसलिए उन लोगों ने अब तक हमसे नहीं पूछा कि क्या आपको कोई वीडियो मिली है या नहीं। उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह दर्द में थी। वह कह रही थी कि अस्पताल वाले कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं, मुझे सब पता चल गया है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ यह सब किया ताकि मुझे चुप कराया जा सके। मरीजों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत से बुरे काम हो रहे हैं अस्पताल में। थोड़ी और जानकारी देने के बाद उसने कहा, माँ मुझे माफ कर देना और रात से भी कहना कि मुझे माफ कर दे। मैंने उसे शादी करने का वादा किया था और मैं तुमसे यही बात करने वाली थी, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं बच सकूंगी, कोई मुझे नहीं बचा सकेगा। वह अपने भाइयों के नाम लेने लगी, परेशान नहीं होना और तुम लोग मेरा बहुत ख्याल रखना। आखिरी में उसने कहा, मैं तुम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम सब मेरे लिए बहुत खास हो, जहां भी रहूंगी तुम सबको याद करती रहूंगी, मेरे लिए उदास मत होना। यह वीडियो देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। माला की दोस्त कह रही थी, इस वीडियो का कुछ ना कुछ करके हम इंसाफ दिला सकते हैं। मैं फिर से इतने बड़े दुहक में चली गई थी। एक हफ्ते बाद हमें पता चला कि राम ने आत्महत्या कर ली थी। जब उसे पता चला कि माला के साथ इतना बुरा हुआ और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसने भी जहर खा लिया, उसने अपने आप को खत्म कर लिया। यह खबर सुनकर हमें और भी ज्यादा बुरा लगा। राम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसका मतलब कि वह माला से बहुत प्यार करता था। जब उसे पता चला कि माला इस दुनिया में नहीं है, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। अब इस बात को एक महीना होने वाला है, लेकिन असली मुजरिमों तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां ना सुना रहे हैं। मेरे पास बहुत से लोग आए हैं, मुझे तसल्ली दी है, कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग ही बताएं कि अब क्या करें। दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं और वह लोग जो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं अभी तक पकड़े भी नहीं गए। आपको क्या लगता है कि माला को इंसाफ मिल जाएगा? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।